नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंह राशि का आर्थिक स्तर कैसा होता है, कितना पैसा वो कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना सेविंग करते हैं, किस तरह से ये सभी बातें होते हैं, उसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सिंह राशि के बारे में अगर देखा जाए तो सिंह राशि काल पुरुष की जो पत्रिका होती है उसमें पंचम स्थान में आती है। पुरुष राशि है, इसका जो स्वामी है वो सूर्य है यानी कि रवि है। यह जो राशि है उसका जो तत्व है अग्नि तत्व है और स्थिर स्वरूप की यह राशि है। इसके जो अगर स्वभाव के बारे में अगर देखा जाए तो यह जो राशि है वो राजा की राशि समझी जाती है। और जैसे कि राजा के पास आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है तो सभी जो राशियाँ हैं इन सभी राशि में सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास इस राशि में देखा जाता है। और निडरता भी बहुत अच्छी दिखाई देती है, किसी से भी ये राशि कभी भी नहीं डरती और खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाली राशि है। मतलब ये राशि को किसी ने मदद की ये होगी तो वह ये राशि नहीं लेगी और लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम बोलते हैं कि खुद उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और उसके आगे चलेंगे। लीडिंग क्वालिटीज़ इस राशि में बहुत ज़्यादा होती है और इनका जो रहन सहन होता है वो बहुत उच्चतम होता है। मतलब यह राशि अगर किसी गरीब व्यक्ति की भी हो तो उनकी जो लाइफ के प्रति मतलब जीवन के प्रति उनकी जो देखने का नज़रिया होता है वो लार्जर देन लाइफ जिसे हम बोलते हैं वो दिखाई देता है। मतलब हमेशा आपको लगेगा कि इस व्यक्ति की मतलब सिंह राशि की जो भी व्यक्ति है इनका जो इनकम है उससे अच्छी इनकी लाइफस्टाइल होती है, लेकिन वो उनका देखने का नज़रिया होता है इसकी वजह से और उसी तरह से वो जीवन जीते हैं। तो अगर अर्निंग के बारे में सोचा जाए तो यह राशि की अर्निंग वैसे देखी जाए तो ये जल्दी भी सेटल हो सकती है या फिर थोड़े समय के बाद सेटल हो जाती है। एक तो पहले सेटल हो जाती है या फिर काफ़ी दिनों के बाद या फिर सालों के बाद सेटल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह जो राशि है वो काम करने के मामले में इनकी थोड़ी सिलेक्टिव होती है। मतलब कैसे काम करना है, किस तरह से काम करना है, बहुत निचले दर्जे का काम ये राशि कभी भी नहीं करेगी और एडजस्ट जल्दी नहीं हो पाती। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं होती, हमें पैसा चाहिए और इस तरह से हमें अगर पैसा चाहिए तो किसी भी प्रकार से हम पैसा अर्न करते हैं। मतलब यह नहीं देखते कि हम जो पैसा कमा रहे हैं या फिर किस प्रकार से कमा रहे हैं, मतलब कौन सा काम हम कर रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचा जाता पहले। लेकिन इस राशि के बारे में थोड़ी सी प्रॉब्लम अलग होती है। ये राशि हमेशा यह देखते हैं कि अपने स्टेटस के हिसाब से वो काम होना चाहिए और एडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं कर पाती, इसीलिए अगर उस प्रकार का काम इनको अगर पहले मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ये राशि काफ़ी समय तक रुकती है और जब भी इनको लगता है कि ठीक है ये मैं काम कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ उसके बाद ही वो काम वो सिलेक्ट करते हैं और ये जो राशि है वो आगे बढ़ती है। तो इनकम के मामले में अगर देखा जाए, अर्निंग के मामले में अगर देखा जाए, आय के मामले में अगर देखा जाए, आय तो इनकी अच्छी होती है लेकिन जो सोर्सेस है मतलब काम पे लगना या फिर बिजनेस करना इन्हें बहुत पसंद आता है। तो बिजनेस अगर करे और अगर उसमें सेटल हो जाए तो अर्निंग बहुत अच्छी होती है। जी हाँ, इस राशि में जैसे मैंने कहा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, ये निडर बहुत अच्छे होते हैं, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी इनमें बहुत अच्छी होती है, इसकी वजह से बिजनेस में ये जो राशि है वो अच्छी तरह से सेटल हो जाती है। हालांकि जो नौकरी है उसमें भी ये राशि अच्छी तरह से आगे बढ़ती है और प्रमोशंस वगैरह लेना ये राशि में बहुत अच्छा भाता है और लीडिंग क्वालिटीज भी इस राशि में बहुत अच्छी होती है, हार्ड वर्किंग होती है। सिर्फ मैंने कहा कि एडजस्ट जल्दी नहीं कर पाते, इसकी वजह से अगर यह राशि अगर अर्निंग में लग जाए तो बहुत अच्छी अर्निंग कर लेती है। लेकिन इस राशि में एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, प्रॉब्लम हालांकि वो प्रॉब्लम नहीं आती अगर आप उसको समझे तो वो प्रॉब्लम नहीं लगेगी, कि स्पेंडिंग के मामले में। जैसे मैंने कहा ना कि यह जो राशि है वह स्पेंडिंग के मामले में सबसे आगे जाने वाली राशि है। मतलब अपना ये जो स्टेटस है वो स्टेटस अच्छी तरह से रखने के लिए यह राशि है कितना भी स्पेंड कर सकती है। मतलब ये यह नहीं देखे कि क्रेडिट कार्ड अगर इस राशि के हाथ में लग जाए तो ये जो राशि है वह कर्ज कर सकती है, खुद के ऊपर लोन कर सकती है। मतलब इनको जो भी पसंद आए, जो भी मतलब और के औरंग से तुलना में अच्छा हो, ज़्यादा फ्लैशी हो, दिखने में अच्छा हो, तो यह जो राशि है जल्दी से खरीद लेती है। यह नहीं देखती कि हमारी इनकम कितनी है या फिर हमारे पास बचत कितनी है, क्रेडिट कार्ड अगर इनके हाथ में दे दो तो लोन आपका बढ़ने ही वाला है। तो यही राशि यह इस राशि की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यह राशि हमेशा ये देखती है कि बाकी लोगों से मैं थोड़ा सा ऊपर उठकर विचार करूँ या मेरे पास थोड़ी सी जो भी बातें हैं वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये बातें इस राशि में होने के कारण इनके खर्चे बहुत बढ़ते हैं और अगर खर्चे होते हैं तो सेविंग होने की क्षमता नहीं होती। इसी वजह से अर्निंग इस राशि के हमें बहुत ज़्यादा दिखती है लेकिन सेविंग के मामले में ये राशि थोड़ी कम होती है क्योंकि इनके खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो अगर इस राशि ने खर्चे के ऊपर अगर ध्यान दे तो मेरे ख्याल से बहुत प्रॉब्लम नहीं आएंगे, इनकी सेविंग बहुत अच्छी होती है सही मामले में अगर ये करे तो। और इसके बारे में यही बात है,
जो आपके जो खर्चे हैं उसके उसमें अगर कटौती कर लो तो मेरे कैसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अर्निंग के बारे में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, जो भी प्रॉब्लम आती है आपके खर्चे के मामले में। कई ऐसी राशियां होती है उनके मामले में अर्निंग के मामले में ही थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनके साथ वो फिजिकल जिसे हम हार्डवर्क बोलते हैं शारीरिक मेहनत उस राशि में थोड़ी कम होती है, लेकिन इस राशि में शारीरिक मेहनत तो होती है लेकिन स्पेंडिंग कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होने के कारण वो जो सेविंग है बचत है वो नहीं होती हो पाती। अगर इसके ऊपर अगर ये राशि ने ध्यान दिया तो मेरे ख्याल से इनकी जो बचत है वो अच्छी तरह से हो सकती है और काफी समय तक हो सकती है। उनकी जो भी लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए भी क्या होता है कि हमेशा ये जो लोग होते हैं इस राशि के लोग जो होते हैं वो रिलेवेंट विचार करते हैं, मतलब औरों के पास अगर ये वस्तु तो उससे मैं थोड़ी सी हायर लेवल की वस्तु ले लूं, या फिर उसका हमारा जो स्टेटस है जीने का जो तंत्र है वो थोड़ा सा हायर लेवल पे होना चाहिए, तो वो रिलेटिव होने के कारण दूसरे की तुलना करने के कारण ही स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया तो मेरे ख्याल से इनकी जो इनकम है वो तो बहुत अच्छी होती है, सेविंग भी अच्छी हो जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ स्पेंडिंग के मामले में थोड़ा ध्यान दीजिए, सेविंग अपने आप ही हो जाएगा। और सेविंग के मामले में भी ये राशि कभी ये नहीं सोचती कि मुझे सेविंग करना है, जैसे कि हमने मेष राशि के बारे में भी देखा कि ये जो राशियां हैं वो सेविंग के बारे में नहीं देखती, ये राशि का जो समझ है वो अलग होती है, ये राशियां हमेशा ये सोचती कि मैं अपने बलबूते पर आगे बढ़ूंगा या फिर बढ़ूंगी, मुझे सेविंग करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद से ही आगे बढ़ सकता हूँ। ये जो राशि इस राशि को भी किसी से ये राशि ज्यादा मदद मांगती नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आपने अगर स्पेंडिंग के मामले में थोड़ा ध्यान दिया तो आपकी सेविंग हो जाएगी और आपका जो आर्थिक स्तर है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का आर्थिक स्तर के मामले में चर्चा। आपको ये चर्चा कैसे लगी, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।